हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जी के टुटोरियल पर आपका स्वागत है दोस्तों मैं शुरू करने जा रही हूँ समकालीन और आधुनिक कलाकारों पर 200 प्रश्नों का टेस्ट और ये है उसका पार्ट वन हर टेस्ट में मैं 20 क्वेश्चंस पूछूंगी आपसे पहले सारे क्वेश्चन पूछूँगी फिर उसके आंसर बताऊँगी और आप अपनी तैयारी चेक करिएगा और बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर जरूर करिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार तो से तो आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए तो आइए देखते हैं ट्वेंटी क्वेश्चन uh, और यह है आधुनिक और समकालीन कलाकारों पर आधारित तो दोस्तों शुरू करते हैं प्रश्न मैं अभी सिर्फ आपको प्रश्न पढ़ूंगी और ऑप्शन बताऊंगी। आंसर उसका सारे ट्वेंटी क्वेश्चंस पढ़ने के बाद में आप लोग अपने आंसर टिक कर लें उसके बाद मैं आंसर बताऊंगी पहला प्रश्न है एवल ऑफ आर्ट एंड आर्टिस्ट पुस्तक के लेखक कौन है ऑप्शन है अतुल डोडिया मदन लाल नागर सुखवीर सिंह सिंहल या एनएस बेंद्रे प्रश्न नंबर दो है किस कलाकार ने ललित मोहन सेन से पोर्ट्रेट तकनीक और वॉश पद्धति सीखी अतुल डोडिया मदन लाल नागर सुखवीर सिंह या एन एस बेंद्रे प्रश्न नंबर तीन है जयराम पटेल ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की शांति निकेतन दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट जीजे स्कूल ऑफ आर्ट और या ऑप्शन डी कोलकाता प्रश्न नंबर चार है एन एस बेंद्र का जन्म कहाँ हुआ था इंदौर लखनऊ जयपुर या मुंबई क्वेश्चन नंबर पाँच है निम्नलिखित में से किस कलाकार को 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ ऑप्शन है जी आर संतोष जयराम पटेल सुखवीर सिंह या पीरेश्वर सेन क्वेश्चन नंबर सिक्स है कौन सा कलाकार हेनरी माति से प्रभावित था और उसका जन्म एटोक पाकिस्तान में हुआ था ऑप्शन है विनोद बिहारी मुखर्जी राम कुमार अमरनाथ सेगल या एन एस बेंद्रे प्रश्न नंबर सात है एस जी श्रीखंड का जन्म कहाँ हुआ था दमोह जोधपुर अलवर या नागपुर प्रश्न नंबर आठ है समीर मंडल का जन्म कब हुआ था फिफ्टी सिक्स नाइनटीन या नाइनटीन नंबर नाइन है किस कलाकार को वर्ष 1991 में ब्रिटेन का टर्नर पुरस्कार प्राप्त हुआ ऑप्शन है सतीश गुजराल अनिश कपूर सुबोध गुप्ता या नलिनी मलानी नंबर टेन क्वेश्चन है क्लाउड गेट जिसे द बीन कहा जाता है यह वर्ष 2000 में निर्मित किस कलाकार द्वारा हुई या किस कलाकार की रचना है ऑप्शन है सतीश गुजराल अनिश कपूर सुबोध गुप्ता और नलनी मलानी क्वेश्चन नंबर ग्यारह है राहुल दाविर को समर्पित चित्र किस कलाकार किस कलाकार द्वारा निर्मित हुआ जो फिफ्टी सेवन पॉइंट लाख में बिका यहाँ पर किस कलाकार होगा किस कलाकार ने निर्मित किया इस चित्र को जो नाइनटीन सॉरी फिफ्टी सेवन पॉइंट सिक्स लाख में बिका क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है चित्र एंड ओल्ड सिटी 1963 किस कलाकार की रचना है ऑप्शन है जी आर संतोष मदन लाल नागर सुखवीर सिंह या बीरेश्वर सेन क्वेश्चन नंबर थर्टीन है किस कलाकार की शीर्षकहीनकृति वर्ष 2015 में मुंबई की कृष्टि की नीलामी में तीस करोड़ में बिकी ऑप्शन है वी एस गायकतोंडे जयराम पटेल सतीश गुजराल या मंजीत बाबा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है इंडियन कल्चर एट द ग्लांस किस कलाकार द्वारा लिखित है जी आर संतोष जयराम पटेल सुखबीर सिंह या बीरेश्वर सेन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संग्रहित चित्र राधिका के कलाकार कौन है क्षितन्द्र नाथ जयराम पटेल सतीश गुजराल या मंजीत बाबा क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है वर्ष 2024 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में शिक्षक व प्राचार्य कौन रहे विनोद बिहारी मुखर्जी जितेंद्र अमरनाथ सहगल या एनएस बेंद्रे क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है ललित कला की धारा व रूप दर्शिका के लेखक कौन है विनोद बिहारी असित कुमार अमरनाथ सहगल या अवनीन्द्रनाथ क्वेश्चन नंबर एटीन है बीरेश्वर सेन का समय काल था 1921 से उन्नीस से उन्नीस सौ सॉरी उन्नीस अठारह से उन्नीस या उन्नीस से उन्नीस क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है किस कलाकार ने उमर खयाम की रुबाइयों पर चित्र श्रृंखला निर्मित की ऑप्शन है शैलेंद्र नाथ डे राम कुमार रामगोपाल विजयवर्गीय या एन एस बेंद्रे और लास्ट क्वेश्चन है नंबर ट्वेंटी ए रामचंद्रन का जन्म किस वर्ष हुआ अगर आप लोगों ने अपने आंसर टिक कर लिए हो मैं अब इसके आंसर बताना शुरू करती हूँ आप देखते जाइए आपके कितने प्रश्न सही हैं तो पहला क्वेश्चन था एवोल्यूशन ऑफ आर्ट एंड आर्टिस्ट पुस्तक के लेखक कौन है तो उसका आंसर है सुखवीर सिंह सिंहर ऑप्शन सी इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी और इनका जन्म हुआ था 1914 मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में ये उत्तर प्रदेश के कलाकार थे और 1967 68 में ये लखनऊ आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज में प्रिंसिपल रहे तो पहले का आंसर है ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर दो है किस कलाकार ने ललित मोहन सेन से पोर्ट्रेट तकनीक और वॉश पद्धति सीखी तो इसका आंसर है ऑप्शन बी मदन लाल नागर इन्होंने ललित मोहन सेन जी से वॉश टेक्निक और पोर्ट्रेट तकनीक सीखी इनका जन्म हुआ था पाँच जून 1923 में और इनके बड़े भाई हैं अमृतलाल नागर जो प्रसिद्ध लेखक रहे और मदन लाल नागर जी कहलाते हैं लखनऊ के चितेरे लखनऊ के चित्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीन जयराम पटेल ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की तो इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी जे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी जयराम पटेल जी ने शिक्षा प्राप्त की थी मुंबई से उन्नीस सौ के बीच में और इनका जन्म हुआ था 1930 आनंद के पास एक गांव में गुजरात में और बड़ौदा समूह जो था उसके संस्थापक सदस्य थे क्वेश्चन नंबर चार है एन एस बेंद्रे का जन्म कहाँ हुआ था तो एनस एन एस बेंद्रे जी का जन्म हुआ था इंदौर में आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए 1910 में इंदौर में इनका जन्म हुआ था और ये भी बड़ौदा समूह से जुड़े थे और इनके ऊपर मैंने कला का वीडियो बनाया है आप जरूर देखिएगा डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी और आपको ये श्रृंखला पसंद आ रही हो तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन नंबर पाँच है निम्नलिखित में से किस कलाकार को 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ तो इसका आंसर है ऑप्शन ए जी आर संतोष जी इन्हें मिला था वर्ष 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार क्योंकि ये लिखते थे, थे कश्मीरी भाषा में इन्होंने नाटक उपन्यास पद्य लिखे हैं और इनको ये पुरस्कार मिला था बेसुख रूह के लिए इन्होंने लिखा था बेसुख रूह उस पर उन्हें यह पुरस्कार मिला था उनका जन्म हुआ था 19 जून उन्नीस कलाकार हेनरी मातिस से प्रभावित था और उसका जन्म एटोक पाकिस्तान में हुआ था तो मातिस से प्रभावित कलाकार जो थे वो थे अमरनाथ सहगल जी इनके शिल्पों पर उनका प्रभाव है और इनका जन्म हुआ था 5 फरवरी 1922 सौ बाईस एटोक पाकिस्तान में और इनका एक प्रसिद्ध चित्र है जो विज्ञान भवन जो है दिल्ली में वहां पर बनाया है चित्र 1957 में जिसका साइज़ है फीट और इनका जन्म हुआ था एटोक पाकिस्तान में 1922 में क्वेश्चन नंबर सेवन है एस जी श्रीखंडे का जन्म कहाँ हुआ था तो एस जी श्रीखंडे जिनका पूरा नाम है सदाशिव गंगाधर राव श्रीखंडे इनका जन्म हुआ था 24 अप्रैल 1934 दमोह मध्य प्रदेश में आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए दमोह इनका जन्म हुआ था इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी लखनऊ से जहाँ इनके गुरु थे श्रीधर महापात्र सुधीर रंजन खास्तगीर और अवतार सिंह पवार जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आठ समीर मंडल का जन्म कब हुआ था तो समीर मंडल जी का जन्म हुआ था ऑप्शन बी 1952 में 1952 में इनका जन्म हुआ था 24 परगना पश्चिम बंगाल में और इन्होंने 1975 में कोलकाता कॉलेज से स्नातक किया और ये वाटर कलर की तकनीक के लिए प्रसिद्ध हैं क्वेश्चन नंबर नाइन है किस कलाकार को वर्ष 1991 में ब्रिटेन का टर्नर पुरस्कार प्राप्त हुआ तो इन दिए गए ऑप्शन में से आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी अनिश कपूर जी को मिला था उन्नीस में ब्रिटेन का टर्नर पुरस्कार और इनका जन्म हुआ था मुंबई में यानी कि भारत में अब लेकिन ये ब्रिटिश इंडियन ब्रिटिश कलाकार कहलाते हैं और इनका जन्म हुआ था 12 मार्च 1954 में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाउड गेट द बीन 2006 किस कलाकार की रचना है तो ये जो रचना है ये है अनिश कपूर जी की आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी क्लाउड गेट द बीन जिसे कहा जाता है यानी कपूर जी की रचना है इसके साथ ही उनकी वो प्रसिद्ध रचना है आरसेलर मित्तल ऑर्बिट ये वर्ष 2012 में बनाई थी इन्होंने टर्निंग द वर्ल्ड अपसाइड डाउन 2010 की इनकी प्रसिद्ध रचना है जो यरूशलम के संग्रहालय में है और इन्हें भारत का पद्मभूषण सम्मान प्राप्त हो चुका है क्वेश्चन नंबर 11 है राहुल दाविर को समर्पित चित्र किस कलाकार द्वारा निर्मित हुआ जो नाइन uh, uh, जो फिफ्टी सेवन पॉइंट सिक्स लाख में बिका तो किस कलाकार द्वारा बना यहाँ होगा कलाकार तो ये बनाया था अतुल डोडिया जी ने आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी अतुल डोडिया जी ने चित्र बनाया था राहुल द्रविड़ पर जो फिफ्टी सेवन पॉइंट सिक्स लाख में बिका था इनका जन्म हुआ था नाइनटीन फिफ्टी नाइन घाट मुंबई में और इनके कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं लेटर फ्रॉम द दा फादर दादागिरी स्लीपिंग विद स्टार ये कुछ प्रसिद्ध कृतियां हैं इनकी क्वेश्चन नंबर बारह है चित्र एंड ओल्ड सिटी जिसे 1963 में बनाया गया किस कलाकार की रचना है तो 1963 में बने में निर्मित चित्र ओल्ड सिटी जो जिसका साइज है वन ट्वेंटी इंटू फाइव वन ट्वेंटी इंटू फाइव फिफ्टी नाइन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर और ये हार्डबोर्ड पर तेल रंग द्वारा बना है मदन नागर जी की रचना है आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी और इस चित्र को 1964 में ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था एन ओल्ड सिटी जो मदनलाल नागर जी की रचना है 1963 में बनाया था इसे और 1964 में इसे राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था उनका एक प्रसिद्ध चित्र और है जो अक्सर एग्जाम में पूछा गया है विंसेंट रोड एट बॉम्बे क्वेश्चन नंबर 13 है किस कलाकार की शीर्षकहीन कृति वर्ष 2015 में मुंबई की कृष्टि की नीलामी में 30 करोड़ में बिकी तो ये कलाकार हैं ऑप्शन ए वीएस एस गायकतोंडे जी इनका जन्म हुआ था नागपुर में सोलह दिसंबर सॉरी नागपुर में उन्नीस सौ चौबीस में और क्रिस्टी की नीलामी जो हुई थी सोलह दिसंबर दो हज़ार पंद्रह में वहाँ पर इनका चित्र जो था शीर्षक ही इन्हें अनटाइटल्ड ऑयल पेंटिंग थी जो तीस करोड़ में बिकी थी और इन्होंने 1948 में जे जे से अपनी शिक्षा प्राप्त की थी और वर्ष 2001 में इनकी मृत्यु हो गई क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है इंडियन कल्चर एट द ग्लान्स किस कलाकार द्वारा लिखित है तो इंडियन कल्चर कल्चर एट द ग्लान्स आपने अगर यहाँ पे सोचा होगा तो यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया है जिसको पता होगा तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा असित कुमार जी ये उनकी रचना है इंडियन कल्चर एट द ग्लांस तो यहाँ हो जाएगा असित कुमार जी कई बार ऐसे नेट जे में भी क्वेश्चन आते हैं जिनमें ऑप्शन होता नहीं है आंसर में तो वही मिस्टेक यहाँ पर मेरे से भी हो गई है तो आंसर है यहाँ पर असित कुमार जी जिन्होंने लिखा है इंडियन कल्चर एट द ग्लांस क्वेश्चन नंबर पंद्रह है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संग्रहित चित्र राधिका के कलाकार कौन है तो इसका आंसर है ऑप्शन ए क्षितन्द्रनाथ जी की रचना है क्षेत्र मंजूमदार मंजुमदार जी ने बनाया है राधिका चित्र जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दृश्य कला विभाग में है और उनके अन्य प्रसिद्ध चित्र हैं स्वामी हरिदास चैतन्य पर इन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए हैं इसलिए चैतन्य या चित्र चेतन का कलाकार कहा जाता है चैतन्य का ग्रह त्याग चैतन्य पर बहुत चित्र बनाए हैं गुरु रूप गोस्वामी गुरू, और मीरा इनका प्रसिद्ध चित्र है इनका जन्म हुआ था इकतीस जुलाई अठारह सौ इक्यानवे मुर्शिदाबाद बंगाल में क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है वर्ष 1924 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में शिक्षक बने व प्राचार्य बने कौन से कलाकार हैं वो तो पहले शिक्षक बने फिर प्राचार्य बने ये थे अचितेन्द्र नाथ जी आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी उन्नीस सौ में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट जो कोलकाता में है वहां पर पहले शिक्षक बने फिर वहाँ पर प्राचार्य बने उसके बाद फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़े क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है ललित कला की धारा व रूपदर्शिका के लेखक कौन है तो ललित कला की धारा व रूपदर्शिका लिखी है ऑप्शन बी असित कुमार जी ने आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी असित कुमार हल्दार जी ने लिखी है ललित कला की धारा व रूप दर्शिका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एटीन है बीरेश्वर सेन का समय काल था तो बीरेश्वर सेन इनका टाइम पीरियड था अठारह एटीन सेवन से नाइनटीन फोर ऑप्शन बी और ये विश्व जी जो थे वो दृश्य चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध रहे भू दृश्य चित्रकार या दृश्य चित्रकार के रूप में और इनके गुरु थे अवनेन्द्र जी जब ये इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑरटे में पढ़े उसके बाद इन्होंने शिक्षा प्राप्त की शांति निकेतन से तो वहाँ पर कला भवन में इनके गुरु रहे नंदलाल बोस जी और असित कुमार हलदर जी क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है किस कलाकार ने उमर खयाम की रुबाइयों पर चित्र श्रृंखला निर्मित की तो उमर खायाम की रुवाइयों पर चित्र श्रृंखला निर्मित करने वाले कलाकार हैं ऑप्शन सी रामगोपाल विजयवर्गीय राजस्थान के कलाकार थे ये रामगोपाल विजयवर्गीय इनका जन्म हुआ था 1905 में 2003 में इनकी मृत्यु हो गई इनके गुरु थे शैलेंद्र नाथ डे जी राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की फिर वहाँ शिक्षक बने फिर वहाँ पर प्राचार्य भी बने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हो चुका है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है ए रामचंद्रन का जन्म किस वर्ष हुआ था तो ए रामचंद्रन का जन्म हुआ था 1935 में आंसर है ऑप्शन बी ए रामचंद्रन जी का जन्म हुआ 1935 ऑप्शन बी केरल के अट्टिंगल में और 1961 में इन्होंने शांति निकेतन से डिप्लोमा किया जहाँ इनके गुरु थे नंदलाल विनोद बिहारी मुखर्जी राम किंग गर्बेज जी और 1965 तक ये जामिया मिया जामिया मिलिया इस्लामिया जो दिल्ली में है वहाँ पर उन्होंने अध्यापन कार्य किया वहाँ ये शिक्षक रहे तो दोस्तों ये बीस प्रश्न का श्रृंखला थी आप कोई प्रश्न कैसे लगे उसमें से कितने प्रश्न आपको आते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए गुड लक जय हिंद